प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर प्रदेश के सबसे बड़े जिला में ही पानी फिर रहा है। दो स्वास्थ्य खंडों में 1000 लड़कों पर केवल 883 और 876 लड़कियां। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के 4 स्वास्थ्य खंडों में लिंग अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़े सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। जिला का कुल लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर पिछले साल 904 लड़कियां थी, लेकिन भवारना और नगरोटा बागवां स्वास्थ्य खंडों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भवारना में दिसंबर तक का लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 883 लड़कियां और नगरोटा बागवां में 1000 लड़कों पर 876 लड़कियां हैं। ये लिंग अनुपात 0 से 6 साल तक के बच्चों की संख्या के आधार पर किया गया है। राज्य महिला आयोग ने भी इस आंकड़े पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के दोनों खंडों में लिंग अनुपात सुधार करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। लिंग अनुपात के आंकड़े सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भवारना में विशेष जागरूकता कार्यशाला लगाने का फैसला किया। कार्यशाला में भवारना व नगरोटा बागवां स्वास्थ्य खंड के पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाग लेंगे और इनको जागरूक किया जाएगा। कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि जिला के 4 स्वास्थ्य खंडों में लिंग अनुपात को लेकर पहले भवारना स्वास्थ्य खंड में कार्यशाला लगाई जाएगी, इसके बाद नगरोटा बागवां स्वास्थ्य खंड तथा भवारना स्वास्थ्य खंड के पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसमें भाग ले रहे हैं और इनको जागरूक भी किया जाएगा, जो लोगों को घर घर जाकर जागरूक करेंगे। इसके पश्चात बाकी स्वास्थ्य खंडों में जाकर भी स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान छेड़ेगा ताकि लिंग अनुपात की कमी को रोका जा सके। लिंग अनुपात में जिला में ओवरऑल तो कमी नहीं हुई है, पर 2017 के जो आंकड़े हमारे पास सामने आए हैं, हमारे जिला की लिंग अनुपात 904 है, 904 लड़कियां 1000 लड़कों के अगेंस्ट, जो कि एक वरिंग ट्रेंड है। और उसमें से कुछ मेडिकल ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसमें गिरावट दर्ज की गई है, जैसे कि त्यारा, भवारना, इंदौरा, नगरोटा बगमा, ठीक है। और ये जो है सोसाइटी की प्रॉब्लम है, तो हम इस विभाग इसके बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को और भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवेयर करने की कोशिश करेगा और साथ में जो इसके बारे में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स, गर्भपात क्लिनिक, उनकी भी जो निगरानी जो है वो ज्यादा स्तर पर साथ की जाए। और सर क्या ये, सर ये देखने में आया कि काफी समय से जो है जिला कांगड़ा में लिंगानुपात की स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में इससे बेहतर स्थिति है, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऐसा भी कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास, पर हम जितनी इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं उतनी नहीं हुई है, ये बात तो सही है, पर कोई आश्चर्यजनक गिरावट भी दर्ज नहीं की गई है। जो कुछ हमारे जो मेडिकल ब्लॉक्स हैं उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, मिसाल के तौर पे डाटासीपा, हालांकि वो बॉर्डिंग ब्लॉक है, पर उनकी 2017 के आंकड़ों में उनके लिंगानुपात सबसे बेहतर पाया गया है जिले में। और ये एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है, उसमें जनता के अवेयर करना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, और इसमें स्वास्थ्य विभाग की नहीं, ये सारे समाज की का ही दायित्व है कि इस बारे में सोचे। सर इसके ऊपर कार्यशाला भी कोई की जा रही है? हम जहाँ पे लिंगानुपात के आंकड़े कम दर्ज किए गए हैं विभाग द्वारा, वहाँ पे कार्यशालाओं और शिविरों का, जनता को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक भवारना और ब्लॉक नगरोटा बगमा के प्रतिनिधियों को के साथ इस बारे में जागरूक किया जाए। थैंक यू सर।